बात देने के लिए आए कि अगर सीएम आ रहा है किसी के प्रोग्राम में तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो तो सीएम साहब दिल वाले आदमी है हमारे, बड़ा दिल वाले आदमी, बड़ा दिल रखते हैं, हो सकता है कुछ कर जाए। वो खाली एक चुनाव में कमिटमेंट कर दिया था, अब वो डार साहब अपनी बात के खड़े रहते हैं, उसके लिए उन्होंने दिया है। अब कुछ पूरी पार्टी लग रही है, पार्टी मना के उनको समझाएगी और इस्तीफा इस्तीफा वाला ऐसा कोई मामला है। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौसा में कार्यक्रम प्रस्तावित है और हमारे साथ में रामलाल डूंगरपुर जिनके जन्मदिन पर सीएम दौसा आ रहे हैं। सर, जन्मदिन पर सीएम दौसा आ रहे हैं और डूंगरपुर में प्रोग्राम है, क्या कुछ स्पेशल है आपकी बार डूंगरपुर में? देखो, 4 तारीख का जो जन्मदिवस का मेरा अवसर है उस पर कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम पर सीएम साहब मुझे खुद आशीर्वाद देने कार्यक्रम में पधार रहे हैं, इसके लिए सीएम साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे आसपास के सभी गांवों के पूरी विधानसभा के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बड़ा विस्तार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने उसमें रखा है, तो उसमें और जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल सूट को सौगातें दी है और जो राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, उस बजट के लिए भी हमने धन्यवाद सभा हमारे निवास स्थान पर रखी। जन्मदिन पे आ रहे हैं, प्रोग्राम भी रखा है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे हैं। एक्चुअल सीएम अगर किसी के प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उसके मायने बहुत हैं। आखिर वजह क्या है? पूरी राजस्थान का अहम जिला है दौसा। ना ना, ऐसा कोई और कोई राजनीतिक मायना नहीं है, खाली मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं और ये मेरे ऊपर स्नेह सीएम साहब का, जो मेरा छोटे से आग्रह को स्वीकार करके मेरे इस जन्मदिन के कार्यक्रम के अवसर पर वो पधार रहे हैं। दौसा विधानसभा का चुनाव उपचुनाव भी है? नहीं, उपचुनाव के तो लेके दौसा उपचुनाव को लेके तो हम पूरी तरह तैयार हैं और 100% दौसा से उपचुनाव हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सीएम साहब आ रहे हैं तो डूंगरपुर से बड़ी घोषणाएं भी होंगी क्या दौसा के लिए या लाल सूट के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसी कोई जरूरी नहीं है। नहीं, आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा, बड़ी घोषणा हो सकती है शायद। नहीं नहीं नहीं, खाली वो आशीर्वाद देने के हिसाब से। नहीं सर, ये तो हर आदमी कहता कि आशीर्वाद देने के लिए आए कि अगर सीएम आ रहा है किसी के प्रोग्राम में तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो तो सीएम साहब दिल वाले आदमी है हमारे, बड़ा दिल वाले आदमी, बड़ा दिल रखते हैं, हो सकता है कुछ कर जाए। दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं हैं कि रामलीला डूंगरपुर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है विधायक के बाद में। नहीं, ऐसी चर्चा नहीं है, अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी पार्टी देती है तो उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है, अभी पार्टी का निर्णय। क्योंकि बात इसलिए चली है क्योंकि पूर्व राजस्थान के बड़े नेता किरोड़ लाल मीणा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में अभी 9 तारीख को विश्वादिवासी दिवस है, जन्मदिन पर सीएम खुद आ रहे हैं। बहुत कम चांस होता है कि सीएम किसी के जन्मदिन पर जाते हों। नहीं, ऐसा कोई राजनीति वाला मायना इसमें है नहीं, ये तो आप लोग बना रहे हो। मैं नहीं बना रहा, ये तो चर्चा है। वैसे वो आशीर्वाद देने ही रहे जन्मदिन के अवसर पर। चलिए कोई बात नहीं, क्या पूरे राजस्थान को खुशखबरी मिलने वाली है क्या 4 अगस्त को? अब ये तो अभी क्या कह सकते हैं, तो पार्टी का निर्णय आगे क्या करते हैं। क्योंकि ऐसी भी चर्चा है कि आपने बड़े मंत्री को हराया था, अब ये सब चीज़ तो पार्टी का निर्णय होता है, जो पार्टी निर्णय करती है वो अच्छा करती है। ऐसा तो नहीं है आप कुछ दबा रहे हो? ना, दबाने वाले को हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, एक जन्मदिन एक बहाना है और एक नहीं, ये हर साल का कार्यक्रम है, कोई पहली बार कार्यक्रम नहीं है ऐसा, हर साल का कार्यक्रम करता हूँ मैं, आज से नहीं 200 साल से करता हूँ, ये कोई ऐसी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ऐसा भी है कि ERCP की अब जल्दी घोषणा होने वाली है और शायद पूरे राजस्थान से इसका सब उद्घाटन या होने वाला है। नहीं, ERCP की तो घोषणा हो चुकी और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होगा और हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसका उद्घाटन भी होगा और इसका शिलान्यास भी होगा, इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे, ये तय है। चलिए एक बात चलते चलते एक बात और कर लेते हैं, किरोड़ लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया और कहते हैं ये हैं, आप जो राय मांग रहा हूँ कि क्या कहा जाता है, उन्होंने 4 साल संघर्ष किया लेकिन उनको उस हिसाब से पद नहीं दिया, एक नाराजगी थी। नहीं, ऐसी नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, वो खाली एक चुनाव में कमिटमेंट कर दिया था, अब वो डार साहब अपनी बात के खड़े रहते हैं, उसके लिए उन्होंने दिया है। अब कुछ पूरी पार्टी लग रही है, पार्टी मना के उनको समझाएगी और इस्तीफा इस्तीफा वाला ऐसा कोई मामला है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधायक रामलाल डूंगरपुर जो कह रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए दौसा आ रहे हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।